हे गाइस, वेलकम टू माय फंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है आपका ज्योग्राफी का क्लास, जिसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। और इंडियन ज्योग्राफी के सेशन में आपका 50 क्वेश्चंस हो चुका है, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। कौन से क्वेश्चन से? क्वेश्चन नंबर 51 से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कर्क रेखा मुंबई से होकर गुजरती है। दूसरा है कि भारतीय मानक समय तय करने वाली देशांतर रेखा 82.5 नई दिल्ली से होकर गुजरती है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो क्या कर्क रेखा मुंबई से होकर गुजरती है? बिल्कुल नहीं, मुंबई से होकर नहीं गुजरती है, ये गुजरात के ऊपर से ही गुजर जाती है। तो मुंबई यानी महाराष्ट्र आने का कोई चर्चा ही नहीं होता है। तो महाराष्ट्र में आती नहीं है, इस कारण से ये मुंबई से होकर गुजरेगी नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कि भारतीय मानक समय तय करने वाली देशांतर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट नई दिल्ली से होकर गुजरती है, तो ये यूपी के इलाहाबाद से गुजरती है, नैनी नामक स्थान से, तो दिल्ली से ये नहीं गुजरती, यानी आपका दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। विषुवत रेखा आप जानते हो, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, ये 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विश्व में दूसरे नंबर का ठंडा स्थान है। तो विश्व में दूसरे नंबर का ठंडा स्थान कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा द्रास जम्मू कश्मीर। द्रास जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये वर्ल्ड का दूसरा सबसे ठंडा स्थान है और एशिया का या भारत का ये सबसे ठंडा स्थान है, ठीक है। आप बोल सकते हो कोलेस्ट प्लेस ऑफ एशिया एंड इंडिया, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड का ये दूसरा सबसे ठंडा स्थान है। क्लियर यहाँ तक? और आपको यहाँ से दो तीन चीज़ें हैं जो दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला, वर्ल्ड का सबसे ठंडा स्थान अगर पूछा जाए और आपको ऑप्शन में अलग अलग तरह की चीज़ें रहे, तो आपका आंसर होगा वोस्टोक ऑस्ट्रेलिया। वोस्टोक, आप इसको नोट डाउन कर लो, वर्ल्ड का सबसे ठंडा स्थान वोस्टोक, ये है आपका अंटार्कटिका में, मैंने शायद ऑस्ट्रेलिया बोल दिया, ये अंटार्कटिका में है, ठीक है। वोस्टोक अंटार्कटिका में स्थित है, ये है वर्ल्ड का सबसे ठंडा स्थान। पर आप में से बहुतों ने यह पढ़ा होगा बर्खयोनास्क, ठीक है, बर्खयोनास्क, BERKHOYANASK, ठीक है, बर्खयोनास्क, बर्खयोनास्क, ये जगह रूस में एक जगह है, ये है दुनिया का सबसे ठंडा जगह, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या हुआ? जो मैंने बताया अंटार्कटिका में, अब बर्खयोनास्क में अंतर क्या है? ये वो सबसे ठंडा जगह है जहाँ पे मानव निवास करते हैं, ठीक है। तो रेसिडेंशियल एरिया में अगर बात किया जाए, जहाँ पे मानव रेसिडेंट है उसमें सबसे ठंडा स्थान वर्ल्ड का है बर्खयोनास्क, जो रूस में है, ठीक है। लेकिन अगर वर्ल्ड का सबसे ठंडा स्थान पूछा जाए, ये तो अंटार्कटिका है ना, आप सभी जानते हो, तो अंटार्कटिका में भी वोस्टोक सबसे ठंडा स्थान है, ठीक है। अब जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है उसमें दूसरे नंबर पे कौन आता है? यह है द्रास्क जम्मू कश्मीर। कौन सा है? द्रास्क जम्मू कश्मीर, ठीक है। और अगर वर्ल्ड में पूछा जाए दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो यह है प्लेट्यू स्टेशन अंटार्कटिका, प्लेट्यू स्टेशन अंटार्कटिका, जहाँ पे मानव निवास नहीं करते हैं। तो आपका हो गया मानव निवास नहीं करने वाला, अगर आपके ऑप्शन में है वोस्टोक अंटार्कटिका तो वो होगा सबसे ठंडा, और दूसरा होगा प्लेट्यू स्टेशन अंटार्कटिका, दोनों अंटार्कटिका में ही है, ठीक है। और जहाँ मानव निवास करते हैं, तो पहले स्थान पे कौन सा हो गया? बर्खयोनास्क, और दूसरे स्थान पे द्रास जम्मू कश्मीर। आई होप कि अब आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी है। तो जो भी आपके ऑप्शंस में है, इसमें से सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आप सभी को पता है सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली है, ठीक है, जो राजस्थान में है, अरावली की पहाड़ी, ये सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध कौन सा है? भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध कौन सा है? यह पाक स्ट्रेट, आप सभी जानते हो पाक स्ट्रेट, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है और मन्नार की खाड़ी द्वारा ये निर्मित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? भारत का मैनचेस्टर, तो यह है अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। मैनचेस्टर किस चीज़ के लिए फेमस है? सूती वस्त्र के उद्योग के लिए, ये आप नोट डाउन कर लो अगर आपको नहीं आता है तो। मैनचेस्टर जो है ये सूती वस्त्र के उद्योग के लिए फेमस है,
और भारत में सूती वस्त्र के लिए जो फेमस जगह है वो है अहमदाबाद। इस कारण से भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है अहमदाबाद को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विख्यात तट मंदिर कहाँ है? विख्यात तट मंदिर, तट मंदिर कहाँ है? तो तट मंदिर है मल्लमपुरम में। कहाँ है तट मंदिर? यह है मल्लमपुरम, तमिलनाडु में एक स्थान है मल्लमपुरम, वहीं पे है तट मंदिर। ठीक है, तो विख्यात तट मंदिर मल्लमपुरम तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? ये होता है कर्नाटक में। आप सभी जानते हो कर्नाटक में कॉफी का मैक्सिमम उत्पादन होता है। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? दाभोल विद्युत परियोजना, तो दाभोल विद्युत परियोजना ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है दाभोल विद्युत परियोजना, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। ठीक है, रत्नागिरी, रत्नागिरी में स्थित है दाभोल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि सुबर्णश्री, ठीक है, सुबर्णश्री, सुबर्णश्री, मानस तथा तीस्ता नदियां किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो सुबर्णश्री, मानस और तीस्ता, सुबर्णश्री, मानस और तीस्ता, इसमें से मानस और तीस्ता तो आप जानते हो, सुबर्णश्री आपके लिए न्यू भले ही हो सकता है, तो मानस और तीस्ता ये दोनों जो है ये ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र का अंग है। ठीक है, तो सुबर्णश्री भी ब्रह्मपुत्र का ही अंग है, सुबर्णश्री, मानस और तीस्ता। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? टिहरी बांध बन गया है, टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध, तो टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी में कोयला का कहाँ, कोयला कहाँ पाया जाता है? दामोदर घाटी में कोयला किस स्थान में पाया जाता है, ये आपको बताना है। रानीगंज, बोकारो, झरिया, तो शायद ये आप लोगों के लिए अब अननोन नहीं होगा, ये सभी स्थान है जहाँ पे दामोदर घाटी में कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो दामोदर घाटी में जो कोयला पाया जाता है उसका जो प्रमुख क्षेत्र है ये झारखंड में पड़ता है, ये आपको पता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल और झारखंड का एरिया पड़ता है, इसमें से रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, बोकारो, ये सब, रामगढ़, ये सब स्थित, ये सब जगह जो है यह कोयला के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, यह है कावारती। आप सभी जानते हो कावारती, यह है लक्षद्वीप की राजधानी। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो कौन से सागर में स्थित है, कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ठीक है, 20 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है, उसको बोलते हैं लक्षद्वीप। ठीक है, सबको मिला के लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? अंडमान निकोबार की राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार स्थित कहाँ है? ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर कर्नाटक में है? तो जो भी आपके ऑप्शंस में से है इसमें से कौन सा शहर कर्नाटक का एक शहर है, ये आपको बताना है। तो ये है कोडगु। कौन सा शहर है? कोडगु। कोडगु शहर कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, कोडगु शहर को क्यों पूछा गया है, कोडगु शहर का क्या, किस चीज़ के लिए कोडगु शहर फेमस है? तो कोडगु शहर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड कहा जाता है भारत का। कौन सा? कोडगु शहर, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आइजोल राजधानी है, आइजोल किसकी राजधानी है? तो आइजोल किसकी राजधानी है? तो आइजोल राजधानी है मिजोरम की। मिजोरम की राजधानी कौन सी है? मिजोरम की राजधानी आइजोल है। अगला क्वेश्चन है कि मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है, यानी मेट्टूर बांध किस नदी पर है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी रेलवे में पूछा गया है। ठीक है, तो मेट्टूर बांध किस नदी पर है? ये कावेरी नदी पर है। और दूसरा क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है कहाँ है, तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बनाया गया मेट्टूर बांध। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? कौन सी ट्रेन भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है? तो ये समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस 14 अप्रैल 2000 में इस ट्रेन को चलाया गया था। कि कहाँ, कब चलाया गया था? 14 अप्रैल 2000 को। कहाँ से कहाँ के लिए? तो दिल्ली से लाहौर के लिए। कहाँ से कहाँ तक के लिए? दिल्ली से लाहौर के लिए ये ट्रेन चलाई गई थी 2000 में, समझौता एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है कि भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र कहाँ तक सीमित हैं? काली मिट्टी का क्षेत्र, तो ये भारत में सीमित है मध्य दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक है, मध्य दक्षिणी क्षेत्र में भारत में काली मिट्टी पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल है। तो राजस्थान का कितना परसेंट भाग थार मरुस्थल से घेरा हुआ है, ये है टोटल 60%। ठीक है, राजस्थान का टोटल 60% भाग थार मरुस्थल से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है। केरल का इडुक्की परियोजना बहुत ही फेमस परियोजना है। ठीक है, तो केरल का इडुक्की परियोजना किस नदी पर है, तो ये है पेरियार नदी पर। पेरियार नदी पर है इडुक्की परियोजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल कौन सी है। तो तमिलनाडु के मुख्य फसल का बात किया जा रहा है, तो तमिलनाडु का इनमें से सब में से अगर आप देखो तो मुख्य फसल जो है वो है मूंगफली। ठीक है, अब आप लोगों को लग रहा होगा मूंगफली तो गुजरात का मुख्य फसल है, तो गुजरात के साथ साथ तमिलनाडु का भी मुख्य फसल है मूंगफली। ठीक है, कॉमर्शियल क्रॉप का अगर बात करें तो। अगला क्वेश्चन है कि कोलार कर्नाटक के अतिरिक्त सोने की खान जहाँ स्थित है वह स्थान कौन सा है। तो देखो कर्नाटक में दो स्थान बहुत ही फेमस है सोने के लिए, एक कोलार और दूसरा हट्टी। ठीक है, कोलार और हट्टी। हट्टी किस जिले में ये पूछा जा सकता है, यह है रायचूर में। ठीक है, कर्नाटक के रायचूर जिले में हट्टी है, वो सोने के लिए बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन है एक प्रसिद्ध सीप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है। सीप स्क्रैपिंग यार्ड किस जगह पर है, किस राज्य में, ये आपको बताना है, तो ये है गोवा में। ठीक है, सीप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है, ये है गोवा में। अगला क्वेश्चन है एक सह्याद्री पर्वत स्थित है, सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। सह्याद्री कहाँ है, ये वेस्टर्न घाट में। ठीक है, इंडिया में वेस्टर्न घाट में इसकी सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, सह्याद्री। तो सह्याद्री इसमें से किस में है, ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन एक निम्न में से कौन राजस्थान की एक जनजाति है। तो यहाँ पे जनजाति का चर्चा हो रहा है और ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान का एक जनजाति कौन सा है, तो ये है गड़ासिया। ठीक है, गड़ासिया जनजाति ये राजस्थान का एक जनजाति है। ठीक है, और असुर मुंडा संथाल ये सब कहाँ का है, ये सब है झारखंड का जनजाति, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, और गड़ासिया कहाँ का जनजाति है, तो ये एक राजस्थान का जनजाति है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों के सबसे बड़ा उत्पादक है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, तो यह है गुजरात। ठीक है, गुजरात जो भी समुद्री उत्पाद होते हैं उसमें सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। तो भारत का 22वां राज्य सिक्किम बना 1975 ईस्वी में। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना और इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी है गैंगटॉक। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर और उत्तरी और दक्षिणी छोरों के बीच की दूरी लगभग कितनी है। अगर आप इंडियन मैप का बात करो, ठीक है, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है ये आपसे पूछा जा रहा है, कितना दूरी है उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो डिस्टेंस है वो है 3214। ठीक है, 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका 3214 नहीं है तो अप्रॉक्स हो जाएगा 3200 किलोमीटर। ठीक है, अगर यही पश्चिम से पूर्व पूछता, ठीक है, भारत में यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ 3214, लेकिन अगर आपसे पूर्व से पश्चिम पूछा जाता तो कितना होता, ये होता 2933। ठीक है, 2933 यह है 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर यह है 3214। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां, डेल्टा नहीं बनाने वाली नदियां दो है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आप सारी चीज को भूल जाओ लेकिन इसको याद रखना। डेल्टा नहीं बनाने वाली नदियां एसुरी बनाती है और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल आपको याद रखना है वह है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, बस ये दोनों आपको याद रखना ही रखना है हर हालत में। अब यहाँ से अगर ये दोनों याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो भारत में कौन सी डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं, तो देखो इसमें नर्मदा आ गया, ये नहीं हो सकता, इसमें ताप्ती आ गया तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, और ये है कावेरी गंगा महानदी, आपको नहीं पता बनाती कि नहीं बनाती है, इसमें नर्मदा ताप्ती आ गया यानी ये भी नहीं बना सकती है। ठीक है, तो आपका तीन आंसर तो इसी तरह से कट गया, तीन ऑप्शन, तो बचा एक सी ऑप्शन कावेरी गंगा महानदी, ये सभी डेल्टा बनाती है।
अगला क्वेश्चन है कि मदुरई यहाँ है, तो मदुरई कहाँ स्थित है? मदुरई स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है मदुरई? मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तमिलनाडु का तीसरा सबसे बड़ा नगर है मदुरई, और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस नदी है, वो है वैगई नदी। कौन सा नदी है? वैगई नदी, वैगई नदी, ठीक है। ये बहुत ही फेमस नदी है जो मदुरई में स्थित है, और एक मंदिर है जो मदुरई में स्थित है, वो है मीनाक्षी टेम्पल। बहुत बार ये पूछा गया मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है? मदुरई तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कि कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिक्स से संबंधित है? हैवी इलेक्ट्रिक्स से संबंधित कौन सा शहर है? ये है भोपाल। भोपाल हैवी इलेक्ट्रिक से संबंधित है। भोपाल में जो कारखाना लगाया गया था वो कब लगाया गया था? ये 1960 में भारी विद्युत उपकरण यानी हैवी इलेक्ट्रिक्स का कारखाना यहाँ पे लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध किस नदी पर है? यह है कृष्णा नदी। किस नदी पर है? कृष्णा नदी। अब देखो, अगर आपको याद नहीं रहता है अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो थोड़ा सा कुछ लिंक लगाओ। कृष्णा, कृष्णा से आप जानते हो ना, ये बचपन से जो खेलने वाले थे, और ये हमेशा गाय वगैरह के साथ रहते थे, ठीक है। यानी मिट्टी के साथ इनका संबंध जुड़ा हुआ था। जितना भी आप इसमें ऑप्शन देख लो, सब में से एक कृष्णा ही है जिसका मिट्टी से ऑल मिट्टी से संबंधित है, यानी हमेशा वो मिट्टी से ही जुड़े रहते थे। तो वो खेतों में जाना, क्योंकि ये यादव कुल के थे, ठीक है, यादव कुल के थे, तो खेतों में काम करना इनका मुख्य पेशा बन जाता था। फिर गाय के साथ काम करना, यानी मिट्टी से जुड़े हुए लोग ये थे, ठीक है। तो अलमाटी बांध किससे है? यह है कृष्णा से, ठीक है। या दूसरा आप ऑल माइटी समझ सकते हो, इंग्लिश में अगर आपको आता है तो ऑल माइटी। कुछ भी आपको बस लिंक लगाना है, ठीक है। ऑल माइटी, ऑल माइटी मतलब सब चीज़ कृष्ण भगवान है, क्योंकि वो विष्णु के अवतार हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य समुद्र की सुंदरता के लिए विख्यात है? समुद्र की सुंदरता के लिए कौन सा राज्य विख्यात है? तो आप जानते हो, अगर समुद्र किसी को घूमना है तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है गोवा, ठीक है। तो समुद्र के लिए ये विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर के चट्टान यहाँ से समीप हैं? संगमरमर के चट्टान, तो संगमरमर जब भी आप देखते हो तो आपके दिमाग में एक ही स्टेट आता है, वो है राजस्थान। लेकिन जब आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो इसमें राजस्थान का कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अब आपका क्या आंसर होगा? तो राजस्थान के अलावे भी संगमरमर मिलते हैं, वो है मध्य प्रदेश के जबलपुर से, ठीक है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आपको जो वाइट कलर का मार्बल होता है, ठीक है, वाइट कलर का मार्बल आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जबलपुर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, नेफा के रूप में प्रसिद्ध था? तो नेफा किस राज्य को जाना जाता था? ये जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था, ठीक है। नेफा का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नेफा का फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा। इस नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो ये था अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो यह है अमरावती। तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदी है, लेकिन अमरावती जो है यह कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, यह कावेरी की सहायक नदी है। किसकी है अमरावती? अमरा कावेरी, ठीक है। अमरावती ये कावेरी की सहायक नदी है, ठीक है। कावेरी की सहायक नदी है अमरावती, और रेस्ट जो तीन देख रहे हो ये तीनों कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। नदी देखो, नदी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और नदी से आपको हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन रहने ही रहने वाला है। तो नदी को आप अच्छे से क्लियर करो, नदी और प्रोजेक्ट्स जितने भी होते हैं, ठीक है। लूनी नदी किसमें गिरती है? लूनी नदी किसमें गिरती है? तो लूनी नदी आपको पता है कि ये वेस्टर्न प्रवाह वाली है नदी, यानी आपका पश्चिमी प्रवाह वाली नदी है, ठीक है। और ये आपका अगर इंडिया है तो इधर इस तरफ से बहती है, ठीक है। ये ऊपर से आती है, इनफैक्ट नीचे से नहीं, ये ऊपर से आती है, और रन के कच्छ में, जो आपका रन का कच्छ है, यहाँ पे आके ये खो जाती है। ये कहीं पे जाके मिलती नहीं है, इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो है ही नहीं, वो रन के कच्छ में दलदल के रूप में खो जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? रन के कच्छ में लूनी की नदी आके गिरती है। गिरेगी क्या? लूनी की नदी यहाँ पर गायब हो जाती है, क्योंकि धीरे 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 पानी इसका सूख के दलदल के रूप में आ जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि बेला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है। बेला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बेला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है, यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बेला डीला कहाँ है, तो बेला डीला जो है वह आपके मध्य प्रदेश पूर्वी महाराष्ट्र का क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ का जो एरिया है यह लोहा के लिए बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि बडडांगा जनजाति भारत के किस प्रदेश में आते हैं। बडडांगा जनजाति, तो बडडांगा जनजाति ये तमिलनाडु क्षेत्र का है। ठीक है, बडडांगा जनजाति ये कहाँ का है, ये तमिलनाडु क्षेत्र का है। एक्चुअली में दक्षिणी भारत का ये एक बहुत ही प्रमुख जनजाति है, और ये कर्मकांड जो मांस के रूप में अपना कर्मकांड करते हैं, कर्मकांड आप समझते हो कोई भी रिचुअल्स टाइप्स का जो पूजा वगैरह होता है उसमें जो ये लोग कर्मकांड करते हैं वो सब मांस के भक्षण करते हैं। ठीक है, कर्मकांड में मांस का ये लोग भक्षण करते हैं, इस कारण से ये साउथ इंडिया में बहुत ही फेमस है। बडडांगा तो ये कहाँ का है, ये है तमिलनाडु का एक जनजाति। इनका मुख्य पेशा जो है वह है पशुपालन का। अगला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है। तो अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है, यह है दमन एंड द्वीप। ठीक है, दमन एवं द्वीप जो है दमन द्वीप ये कहाँ है, ये गुजरात के तट के पास है, और गुजरात में भी अगर बात करें तो यह अहमदाबाद के निकट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है। सबसे अधिक कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है, तो बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। अब अगर सबसे अधिक कोयले का बात करें तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे निम्न नहीं बोला जा रहा है। आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, आपको अगर इनमें से कोई नहीं आंसर वाला क्वेश्चन आता है तो आप लोग अक्सर उसको गलत कर बैठते हो। ठीक है, यहाँ पे था भारत में सबसे अधिक कोयला, और आप जानते हो भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ होता है, ये होता है झारखंड में। कहाँ होता है, झारखंड में, और यहाँ पे झारखंड तो ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन आपका एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कहाँ होगा, ये होगा झारखंड। ठीक है, झारखंड में सबसे अधिक कोयला होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण खोदा जाता है, स्वर्ण कहाँ से निकाला जाता है, इसका मेन जगह जो है स्वर्ण का वो कहाँ है। तो मेन जगह स्वर्ण का कहाँ है, ये मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया, कोलार और हट्टी, ये दोनों कर्नाटक में है, जो सोने का मेन खदान है भारत में। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक माने जाते हैं, तो कर्नाटक किस रूप में जाना जाता है, तो कर्नाटक को माना जाता है लहरदार भूमि, समतल भूमि, उच्च भूमि, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा उच्च भूमि। ठीक है, कर्नाटक की भूमि कैसी है, यह उच्च भूमि है, यह समुद्र तटरेखा से लगभग समांतर ही पश्चिमी घाटों की सह्याद्री श्रृंखला का भाग है। ठीक है, और यहाँ का जो भूमि है वह उच्च भूमि के कैटेगरी में आता है। अगला क्वेश्चन है कि बेलूर किस नदी के तट पर है, बेलूर किस नदी के तट पर है, तो बेलूर कर्नाटक में है हेमावती नदी के तट पर। किस नदी के तट पर, हेमावती नदी के तट पर है बेलूर। और किस जिले में पड़ता है ये, तो ये पड़ता है हासन जिला। कौन सा जिला है, हासन जिला। ठीक है, ये फेमस क्यों है, तो ये देखो नक्काशी वाला जो मंदिर होता है, ठीक है, उसके लिए ये फेमस है, और चन्ना का मंदिर, चन्ना केशव मंदिर उसको बोलते हैं। ठीक है, चन्ना केशव मंदिर के लिए ये फेमस है। कौन सा, बेलूर। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक में क्षेत्रफल दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कर्नाटक में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा बेंगलोर वहाँ का जिला है। ठीक है, लेकिन ये क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, सॉरी क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है बंगलोर। यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं होगा, यहाँ जनसंख्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद एरर था, जब जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 2002 का क्वेश्चन है, ये एरर क्वेश्चन था। यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा पॉपुलेशन के हिसाब से, आप इसको नोट डाउन कर लो, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जिला जो है वह है बेंगलोर, और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला गुलबर्ग है। कौन सा है, गुलबर्ग, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, गुलबर्ग कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और पॉपुलेशन की दृष्टि से बेंगलोर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है, तो किस राज्य का है, यह हरियाणा, आप सभी जानते हो 2011 में जो जनगणना हुआ उसके अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे कम है, मात्र 879 per 1000। ठीक है, 879 per 1000 वहाँ पे महिलाएं हैं।
अगला क्वेश्चन है कि दावणगेरे निम्नांकितों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। दावणगेरे किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दावणगेरे सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। दावणगेरे जो सूती वस्त्र होता है, सूती वस्त्र के लिए फेमस है और यहाँ पे सूती वस्त्रों का काफ़ी जो मिल है वो पाया जाता है, ठीक है। और ये कर्नाटक में ये जगह है, दावणगेरे कहाँ है, ये कर्नाटक में जगह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है कान्हा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग फिर नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।